तो गाइस APR ट्रांजेक्शन करते समय हमारे CSP संचालकों को एक से बढ़कर के एक नए नए प्रॉब्लम आ रहे हैं। कुल मिलाकर के बात करें तो CSP संचालक 2-4 ही सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कर पा रहा है। इसके बाद कोई न कोई ऐसा बैंक, कोई न कोई ऐसा ग्राहक मिल जा रहा है जिनका APR ट्रांजेक्शन करते समय ग्राहक को डिफरेंट तरह टाइप का जो है कि एरर देखने के लिए मिल रहा है। कुल मिलाकर के बात करें तो इस समय जो अभी 2024 चल रहा है, APR एक बहुत ही बुरे कंडीशन से चल रहा है। 1 जुलाई के बाद समझ लीजिए कि कुछ तो APR में बदलाव हुआ जो कि वास्तव में CSP संचालकों के हित में था, जैसे 2FA हट गया और साथ में यहां पर और भी कई अन्य सारे बदलाव हुए हैं, ठीक है, जो कि CSP संचालकों के लिए गुड न्यूज भी की तरह भी था। लेकिन यहां पर L0 डिवाइस जो कि बैन हो गया, जहां पर काफी CSP संचालकों का रिचार्ज के साथ साथ यहां पर जो है कि उनका बायोमेट्रिक डिवाइस भी नुकसान हो गया, ठीक है। ये तो चलिए ठीक है, ये सुरक्षा पर्पज के लिए था। लेकिन इस समय देखिए CSP संचालक APR ट्रांजेक्शन करते समय एक नया एरर आ रहा है। बेसिकली देखिए जैसे ही CSP संचालक यहां पर APR ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना चाहता है, यहां पर खास तौर से मैं बैंक की बात करूं तो है इंडियन बैंक के ग्राहक का जैसे यहां पर जो है कि बैलेंसिंग क्वेरी करते हैं तो वैसे यहां पर एक एरर लिख करके चला आता है जिसमें यह लिखा रहता है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह डुप्लीकेट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। तो बेसिकली CSP संचालक परेशान है कि आखिर में यह क्यों आ रहा है, यह एरर क्यों आ रहा है। हालांकि ग्राहक के खाते से जो है कि पैसा भी निकल रहा है, कल ही ग्राहक के खाते से पैसा निकाला था, उसका KYC भी कंप्लीट है, ठीक है, उनका डिवाइस भी L1 डिवाइस है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर जो है कि डुप्लीकेट रिक्वेस्ट क्यों आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं कि आखिर यह प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और यह कैसे ठीक होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एरर आया हुआ है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट, इसका मतलब समझ लेते हैं कि आखिर एक्चुअली में यह कहना क्या चाहता है, इसका हिंदी में मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ डुप्लीकेट का मतलब यह होता है कि नकल होता है, ये तो हर किसी को पता है कि ये जो है कि फेक होता है, नकली होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डुप्लीकेट और रिक्वेस्ट बोला जा रहा है, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यानी चाहे वो बैलेंस इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट किया गया हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया गया हो, इवन कैश विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया गया हो, ठीक है, किसी भी तरह का APR ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया हो ग्राहक का फिंगर लगा करके, ठीक है, तो उसमें जो कंडीशन में एरर हुआ है यानी कि वेरिफिकेशन फेल हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर डुप्लीकेट रिक्वेस्ट बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि कोई डुप्लीकेट व्यक्ति है जो क्लोन फिंगर लगा रहा है या फिर उसका फिंगर जो है कि काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डुप्लीकेट रिक्वेस्ट का इशू आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट से मतलब यह है कि जो ग्राहक का डेटा पहले से आधार कार्ड में उपलब्ध है और प्लस जो फिंगरप्रिंट लगा रहा है वो डेटा स्कैन करने के बाद मैचिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वैसे तो यहां पर जो एरर डुप्लीकेट रिक्वेस्ट आ रहा है इसके जगह पर बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच का इशू आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब उस टर्म को चेंज कर दिया गया है, वो टेक्स्ट में जो हम लोग को नोटिफिकेशन या फिर पॉपअप आता था जिसमें यह बोला जाता था कि बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच, ठीक है, लेकिन अब वो चेंज होकर के यहां पर आ चुका है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट में, ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि जो है कि जिस ग्राहक का आप लोग बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हो, APR ट्रांजेक्शन कर रहे हो और करते समय यह इशू आता है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट का, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ग्राहक का फिंगर सही से नहीं लग पा रहा है, ठीक है। उस ग्राहक का फिंगर या तो आप लोग साफ कराइए, हो सकता है कुछ डस्ट वगैरह लगा हो या फिर किसी तरह से स्क्रैच वगैरह लग गया होगा फिंगरप्रिंट में, तो आप लोग ये काम कर लीजिए, सबसे पहले उसका फिंगर वगैरह साफ करा लीजिए, किसी तरह का स्क्रैच ना हो। अगर किसी फिंगर में स्क्रैच लगा हुआ है तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उस फिंगर को मत लगवाइएगा जिसमें फिंगरप्रिंट में यहां पर स्क्रैच लगा हो, ठीक है, उस साफ वाले फिंगर को लगाइएगा जिससे कि ये इशू आप लोग के सामने ना आए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहां पर जो डुप्लीकेट रिक्वेस्ट आ रहा है क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।